साथियों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंघाटिया, मैनेजमेंट डायरेक्टर मीत नॉलेज हब। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि वर्तमान समय में चल रहा जो कन्फ्यूज़न है, यानी कि जिन बच्चों ने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं वो बहुत ही भयंकर कन्फ्यूज़न से जो है इस टाइम के अंदर गुजर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से बात करते हैं और काफ़ी जो है अपना जो है सब्जेक्ट और अपनी स्ट्रीम और अपने जो भी कोर्सेज वगैरह हैं उन्होंने चूज़ करने हैं आफ्टर 10th और आफ्टर 12th, तो वो इस बारे में चर्चा करते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके सामने जो है हर एक चीज़ का क्लासिफिकेशन करके रखें और उसके बाद हम ही उनका जो है उनको चूज़ कराएं पर्टिकुलर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी बच्चे को टीच करते हैं, डेफिनेटली एक साल दो साल जितना भी हम लोगों ने टीच किया है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट टीचर की वो एक बॉन्डिंग बनती है और उससे हमें कुछ चीज़ें बच्चे के बारे में पता चलती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों के आधार पर हम उसके पूरे लाइफ का, पूरे करियर का जो ऑप्शन वो जो चूज़ करना चाह रहा है, जो भी सब्जेक्ट या जो भी कोर्स वो अपना चूज़ करना चाह रहा है, उसके बारे में हम जो है अपनी राय नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिना ठोस आधार के, बिना हम उस बच्चे की सारी प्रॉपर्टीज़ को जाने, बिना उसके ब्रेन को स्टडी किए हुए हम लोग उस चीज़ को बता सकते हैं। तो मैंने आज तक कभी भी इस बारे में कभी भी स्टूडेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ खुल करके कभी भी बात नहीं की, अपनी राय कभी किसी को इस टाइप से नहीं दी कि हाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें या फिर डायरेक्टली उनके इंटरेस्ट को देख करके। डिपेंड करता है कि हाँ इंटरेस्ट डेफिनेटली डिपेंड करता है, लेकिन इंटरेस्ट को देख करके भी सिर्फ जो है हम उस चीज़ को थोड़ा सा नहीं मानते हैं, पेरेंट्स भी नहीं मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, लेकिन मान लीजिए कि उसका जो है परसेंटेज मान लीजिए उसके 92, 94 या 95% आ जाते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाएगा? अरे भाई मतलब ही नहीं बनता। वो डेफिनेटली या तो नॉन मेडिकल चूज़ करेगा या फिर मेडिकल चूज़ करेगा, ठीक है, सीकर कोटा में जाकर के पढ़ाई करेगा, या फिर नॉर्मल अगर वो बीएससी या जो भी करना चाहता आफ्टर 12th तो डेफिनेटली वो इस तरह की चीज़ें करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये चीज़ आती है कि अक्सर जो है अच्छे स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर पाते हैं, अच्छे परसेंटेज हैं फिर भी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक फ्लो चल पड़ा है मार्केट के अंदर, जो भी टीचर्स या जो भी लोग जो है इस तरह की काउंसलिंग करते हैं वो अपने जो वो खुद नहीं कर पाए ना, वो चाहते हैं कि वो सामने वाला बच्चा उस चीज़ को कर ले। अगर उसने एक सिंपल सी बात है, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि मान लो कोई भी एक एल्डर पर्सन है जिसके पास मेडिकल थी या जिसके पास नॉन मेडिकल थी, उसने जाकर के कोई ना कोई कोर्स लिया, कोई उसका ड्रीम रहा होगा, वो उसको करने में अगर फेल हो गया तो गारंटी मानिएगा कि उसके बाद जो भी बच्चे उनकी फैमिली में होंगे वो सेम सब्जेक्ट चूज करा करके उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा या फिर अपने इंटरेस्ट को उन पर थोपेगा। अब बच्चों का क्या होता है कि उनको उसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, उसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो ब्रेन है उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं उनको अगर बन भी जाए तो भी कई बार मैंने ऐसे देखा है कि छोड़ करके और उस चीज़ को अगर जॉब में भी सेटल हो जाते फिर भी वो उस चीज़ को जो है अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मतलब सिंपल सी बात है कि विषय तो बहुत पेचीदा है ये, यानी कि करियर ऑप्शन चूज़ करना मतलब डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पेचीदा विषय है, क्योंकि पेरेंट्स में भी देखिए, माता पिता में और बच्चे में भी विवादास्पद जो है कंडीशन बन जाती है इस सिचुएशन में आकर के। क्योंकि होता यह है कि अगर दोनों में विवादास्पद स्थितियाँ बनती है, यानी कि अगर माता पिता के अनुसार, क्योंकि माता पिता देखिए अपनी समझ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आसपास के लोगों से राय मशवरा तो वो करेंगे, डेफिनेट सी बात है, और बच्चा जो है वो भी अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर के कुछ ना कुछ सीख रहा है, अपने फैमिली में जो भी उनके फ्रेंड्स हैं या जो भी टीचर्स हैं उनसे भी जो राय मशवरा करके कुछ ना कुछ ले रहा है। अगर पेरेंट्स में और स्टूडेंट में स्ट्रीम को चूज़ करने के लिए या करियर ऑप्शन जो है चूज़ करने में अगर दोनों में सामंजस्य की स्थिति नहीं बनती है और दोनों में किसी का भी अगर दोनों की राय मैच नहीं करती है, और इन फ्यूचर जाकर के जो भी टारगेट्स जो भी आपने डिसाइड किए होते हैं अपने करियर ऑप्शंस जो चूज़ किए होते हैं वहाँ पर जाकर आपको सक्सेस नहीं मिलती है, अगर मान लो जो भी आपके टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते हैं ना, तो फिर जाकर के वहाँ पर सबसे बड़ा स्ट्रेस का जो है मतलब माहौल बनता है, और उस कंडीशन में आकर जो स्टूडेंट है वो इतना जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि फिर वो अपने इतनी जो खूबसूरत सी ज़िंदगी है उसको ख़त्म करने की और जो है उसके रास्ते पर चल पड़ता है। और रिसर्च तो ये है अपने इंडिया में कि हर दिन मतलब अगर एक साल के अंदर देखें तो लगभग 14,000 स्टूडेंट्स जो है ओनली सिर्फ और सिर्फ अपने गलत करियर ऑप्शन चूज़ करने की वजह से सुसाइड कर जा रहे हैं। और अपने राजस्थान में अगर हम देखें, कोटा की बात अगर हम करें, तो वहाँ पर हर 8वें दिन एक बच्चा जो है सुसाइड कर रहा है। सिर्फ रीज़न सिर्फ यही है, स्ट्रेस। किसकी स्ट्रेस?
कि जो भी उसने करियर ऑप्शन चूज किया उसको हैंडल नहीं कर पाया, उसकी जो स्ट्रेस है उसको हैंडल नहीं कर पाया, या उसका ब्रेन जो है वो उस चीज़ में उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर करियर काउंसलिंग हम कर रहे हैं या इस टाइप का कोई भी कर रहे हैं कि हम राय दे रहे हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो भावी जो हमारा जो समाज है उसके निर्माता उनको कहा जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हर किसी बच्चे को उसकी जन्मजात प्रतिभा को जान करके, उसके टैलेंट को जान करके, उसका जो इनबॉर्न टैलेंट है यानी जो उसके अंदर की क्वालिटीज़ हैं उन सब को जान करके और फिर उसका जो है करियर उसको चूज़ करवाया जाना चाहिए, उसको अच्छे से एक रास्ता हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए। आज हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं यानी आज हम जिस तरीके की बात करने वाले हैं एक्चुअली वो तरीका बहुत ही अनुभव किया हुआ, बहुत ही जांचा परखा और वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरने वाला एक तरीका है ये, मान लीजिए आप, ठीक है, बहुत ही वैज्ञानिक है। और देखिए सिंपल सी बात है कि ये तरीका भारत के बाहर यानी सभी देशों में लगभग देखें तो जैसे जापान, सिंगापुर, ताइवान, रूस, इंडोनेशिया, कोरिया, तो इन सब के विश्वविद्यालय में तो ये कंपलसरी है एक टेस्ट, ठीक है, एक टेस्ट की बात हम करने वाले हैं तो एक कंपलसरी है। और अगर हम ओलंपिक्स में बात करें तो ओलंपिक्स में 1972 से इसको अपनाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हम भी उस टेस्ट को यूज़ करके और बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट के बारे में जान करके और फिर उसकी अगर हम काउंसलिंग करें, फिर वो अपने करियर ऑप्शंस को चूज़ करे, अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपनी इनबॉर्न उसकी जो जन्मजात प्रतिभाएं हैं उनके अकॉर्डिंग ले, तो क्या उसको मतलब उसका जो जीवन जीने का तरीका है, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण वो इन फ्यूचर अपने वो फेलियर्स जो है उनको फेस करता है, तो उन चीज़ों को दूर किया जा सकता है, ये सब चीज़ें बहुत ही इजी हो सकती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम उस टेस्ट का, नाम है DMIT टेस्ट और उससे जो रिपोर्ट बनती है उसे बोला जाता है PCCR यानी कि टोटल पर्सनैलिटी करियर काउंसलिंग रिपोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में, क्योंकि देखिए जानना है हमें इसके बारे में तो डेफिनेटली मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है हमारे पास जिसको आधार बनाकर के हम जो है अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण निर्णयों में या एक बच्चे की लाइफ बना सकते हैं यानी कि वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो DMIT टेस्ट है वो क्या करता है कि जब भी कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले किसी बच्चे का माइंड, जो ब्रेन है, दिमाग है, वो विकसित हो रहा होता है और उसी के साथ ब्रेन के साथ सबसे पहले उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं यानी उसके हाथों में जो लकीरें होती है जिसे हम बोलते हैं यानी जो फिंगरप्रिंट्स है वो डेवलप होते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइकोलॉजी में भी ये सब चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं कि ब्रेन का फिंगरप्रिंट के साथ जो है बहुत ही तगड़ा रिलेशन है। फिंगरप्रिंट की स्टडी से ब्रेन की स्टडी की जा सकती है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि जो मेंटली डिसऑर्डर बच्चे होते हैं या फिर जो जिसे हम ये बोलते हैं कि जो जिन बच्चों में मानसिक तौर पर कुछ ना कुछ कमी हो गई, जो जन्मजात ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनके डेफिनेटली फिंगरप्रिंट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है यानी कहीं ना कहीं उनकी लाइनें जो है वो मिसिंग होती है, उनका कुछ ना कुछ पोर्शन ब्लैंक होता है यानी दिमाग का सीधा सीधा रिलेशन होता है हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट से। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का और हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनका कोरिलेशन होता है। तो हमारे ब्रेन्स और उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो मैपिंग की जाती है और ये आधुनिक मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके हेल्प से उसकी मैपिंग की जाती है और पूरा एनालाइज करके और फिर जो है किसी बच्चे का उसके करियर ऑप्शंस के लिए जब मार्गदर्शन किया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रहती है, ठीक है। तो इसमें टोटल 8 चीज़ें हमें पता चलती हैं। जैसे ही हम ब्रेन की मैपिंग करते हैं और उसको एनालाइज किया जाता है तो अत्याधुनिक उपकरणों की हेल्प से और बहुत से डॉक्टर्स की टीम होती है, वो एक रिपोर्ट बनाती है और उसके आधार पर यानी वो बेसिकली हमें 8 चीज़ों के बारे में बताती है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर हमें, देखिए सिंपल सी बात है कि जो ब्रेन होता है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है और एक हमारा राइट ब्रेन होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहली चीज़ पता चलती है डिफरेंस बिटवीन ब्रेन्स यानी कि दोनों ब्रेन्स में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, देखिए दोनों के वर्क फंक्शंस अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अलग अलग तरीके से हमें गाइड करते हैं, दोनों की रुचियाँ अलग अलग है, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग है, तो ये चीज़ें हमारे जो है हमारे डिसीजंस लेने में बहुत ही हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता चल गई कि दोनों ब्रेन्स में कितना डिफरेंस है।
सेकेंड थिंग हमें पता चलती है डोमिनेशन ऑफ ब्रेन, यानी कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है और जो हमारा राइट ब्रेन है, दोनों में से कौन सा ब्रेन जो है वो डोमिनेंट है, कौन सा ब्रेन स्ट्रांग है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हमें पता चल गई। तीसरी चीज़ की बात करें तो तीसरा हमें पता चलता है हमारे लर्निंग पैटर्न्स के बारे में, और ये ब्रेन मैपिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पूरा हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है उसका पता चलता है। और तीन तरह की बेसिकली हमारी जो है लर्निंग पैटर्न्स होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ठीक है। तो तीनों तरीके के लर्निंग पैटर्न्स हैं, उनके बारे में हमें बेसिकली पता चलता है। चौथी बात करते हैं, देखिए हमारा जो ब्रेन होता है वो डिवाइडेड होता है 5 लोब्स के अंदर, ठीक है। अगर आप बेसिकली मेडिकल के स्टूडेंट हैं या आप मेडिकल का थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो बेसिकली आप इन सब चीज़ों को जानते होंगे कि हमारे जो ब्रेन होता है उसके अंदर उसके 5 पार्ट्स होते हैं, 5 लोब्स होती हैं, ठीक है। उन 5 लोब्स के अंदर हमें उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स का पता चलता है कि हमारी कौन सी लोब जो है ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो चौथी बात हमें पता चल गई, हमारे जो ब्रेन की लोब्स हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद पांचवी चीज़ हमें पता चलती है, बच्चे का जो पर्सनैलिटी है और उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, किस टाइप की पर्सनैलिटी है और किस टाइप का बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसका रहेगा, और उस टाइप से हम अपने करियर ऑप्शंस या जो भी स्टडी पैटर्न है या जो भी हम चूज़ करना चाहते हैं, जो भी हमारे डिसीजंस हम लेना चाहते हैं वो चीज़ें हम ले सकते हैं, ठीक है। छठी चीज़ हमें पता चलती है थिंकिंग स्टाइल, यानी कि किस टाइप की पर्सनैलिटी है और उसके अकॉर्डिंग वो किस टाइप से सोचता है, ठीक है, उसका थिंकिंग स्टाइल क्या है, यानी वो कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, या वो रिफ्लेक्टिव है, या रिवर्स थिंकर है, यानी किस टाइप से वो सोचता है, लोगों की कॉपी करके ज़्यादा सीखता है या अपने सेल्फ इंस्पिरेशन उसके अंदर ज़्यादा है, अपने जो है जो अपने टारगेट्स सेट करके चलता है या किस टाइप से, ठीक है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। सातवीं चीज़ हमें पता चलती है हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, जो जो पार्ट्स हमारे स्ट्रेंथ हैं, कौन कौन सी हमारी वीकनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग करियर ऑप्शंस हम जो है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से चूज़ कर पाते हैं। और आठवीं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, इमोशनल क्वेश्चंट, क्रिएटिविटी क्वेश्चंट, एडवर्सिटी क्वेश्चंट, तो ये 4 मेन क्वेश्चंस होते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। किसी भी पर्सन के अगर ये क्वेश्चंस पता चल जाएँ तो उसके इंटरेस्ट हमें पता चल जाते हैं, वो किस टाइप से बिहेव कर सकता है और किस टाइप में परफॉर्म अच्छा कर सकता है, ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आठवीं चीज़ हमें पता चलती है, ये 4 के 4 क्वेश्चंस परसेंट वाइज हमारे सामने आ जाते हैं कि कितना कितना हमारा कौन सा जो क्वेश्चन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली कौन कौन से हो गए, IQ, EQ, CQ यानी क्रिएटिविटी कोफिशिएंट और AQ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो बेसिकली ये 8 पॉइंट्स हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए, मेरे पास अभी सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे रेमेडीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, जो वीकनेस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जो स्ट्रेंथन हमारे पार्ट्स होते हैं उनको चूज़ करके हम कैसे कैसे अपने करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं जो है चूज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम जो है इस टेस्ट के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर, इस काउंसलिंग के अंदर ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, जिसके आधार पर अगर किसी स्टूडेंट का मार्गदर्शन किया जाए और जिसके आधार पर अगर हम अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, तो मेरे हिसाब से हम कभी भी हमारा जो फेलियर होने का जो डर होता है ना वो नहीं रहता, और 100% हमें जो है सक्सेसफुल डेफिनेटली इसमें मिलती है, क्योंकि हम अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। देखिए हमें काम करवाने वाला हमारा ब्रेन ही है, और अगर हम सारे डिसीजंस हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग लेंगे तो हमें सक्सेस होने में कोई भी जो है रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में कोई आगे जो है विस्तृत चर्चा भी हम आगे की वीडियोस में करते रहेंगे, लेकिन मेरा काम था कि खुलकर इस टाइप से बात की जाए और इसके बारे में बताया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स इस टाइम में मोस्ट कंफ्यूजिंग जो सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं वो इसमें थोड़ा सा उनको हेल्प हो सके और अपने अच्छे से वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।